So in yesterday's lecture, we understood about complex permanent tissue, where we discussed about xylem and phloem, उसके क्या parts होते हैं, क्या क्या उसके functions हैं, कौन से चीज किस में पाई जाती है और किस तरीके से वो हर एक cells अपना function निभाता है, जिस वजह से whole xylem and whole phloem as a tissue can function very smoothly. Today we'll go understand about simple permanent tissues, where we know that there are three examples for it. One being parenchyma, other being colenchyma, and the third one being sclerenchyma. ठीक है, तो जब हम parenchyma, colenchyma और sclerenchyma का बात करते हैं, कल तुमको already मैंने एक hint दे दिया था कि जैसे ही नाम आता है parenchyma, मतलब क्या हो जाएगा? Storage. Is responsible for storage. ठीक है, इसके अलावा parenchyma के cells देखते ही हमको पता चल जाते हैं कि parenchyma के cells के पास large vacuole होते हैं, so by default storage becomes easier. उसका साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पे चला जाता है, इवन न्यूक्लियस उसका पेरिफेरी पे रहता है. इसके जो सेल वॉल्स रहते हैं ना, दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल ओनली. मतलब दे हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल. ऐसा क्यों सर? प्राइमरी सेल वॉल इनके पास इसलिए होता है ताकि ये जब स्टोरेज करे तो अपना साइज इंक्रीज कर सके एंड ग्रोथ दिखा सके. इस वजह से दे जनरली हैव प्राइमरी सेल वॉल. और सेकेंडरी सेल वॉल अगर हुआ भी उनके अंदर तो काफी पतला वाला सेकेंडरी सेल वॉल होता है. ठीक है, so let's try and check. Now when we talk about permanent tissues, as said, you have parenchyma, which is composed of, you have parenchyma as one simple permanent and complex permanent. दोनों में difference क्या है? As said, ये सिर्फ एक ही type के cell से बनता है, ये अलग अलग type के cell से बनता है. इसके अंदर एक चीज खास जो हम मिस आउट कर जाते हैं पढ़ते समय इज दैट कि जितने भी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग सेल्स होते हैं ना, वो सारे अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन रोल प्ले करेगा, जबकि सिंपल में जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स सेम फंक्शनल रोल प्ले करेगा. सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स दैट वी हैव टॉकिंग अबाउट पेरेन्काइमा. वेरी फर्स्टली आई सेड कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड्स. दे हैव अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट इन देम. डिपेंडिंग ऑन, इसमें काफी कम इन्फॉर्मेशन दिया है वीडियो में, बिकॉज तुम्हारा एनसीईआरटी में थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन दिया है. जब हम पेरेन्काइमा का बात करते हैं, दे कैन बी मॉडिफाइड एज वेल. पहली बात तो ये पॉलीगोनल शेप होते हैं. पॉलीगोनल शेप मतलब क्या? इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता. जब पेरेन्काइमा के सेल्स का बात करते हैं, इनके सेल्स के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता. That becomes the first point for us to understand. However, जब हम बोल रहे हैं कि इसका कोई fixed shape नहीं होता, हम usually इसको spherical ही consider करते हैं. ये इकलौता ऐसा tissue है जिसके पास थोड़ा सा intercellular spaces होता है. Can you see this? There is a very small amount of intercellular space that you can see with them. बाकी के दो simple tissues जो हम देखने वाले हैं, which is sclerenchyma and colenchyma, उनके अंदर ये चीज नहीं होता. ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली स्टोरेज का काम करेगा ही. पेरेन्काइमा के काफी सारे मॉडिफिकेशंस भी दिखाई देते हैं, जिसमें से वेरी फर्स्ट मॉडिफिकेशन दैट वी हैव फॉर पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, वेयर दिस पेरेन्काइमा इज मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये क्लोरेन्काइमा क्या होता है? जब इस पेरेन्काइमा के अंदर तुम क्लोरोप्लास्ट डाल दो, क्लोरोप्लास्ट डाल दिया तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा. अब जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो हम उसे कह देंगे क्लोरेन्काइमा. जनरली क्लोरेन्काइमा क्या होते हैं? दोज आर नथिंग बट योर मेसोफिलिक सेल्स. आर वी गेटिंग द पॉइंट? दे आर जनरली नथिंग बट मेसोफिलिक सेल्स दैट यू सी इन योर प्लांट्स. प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होते हैं, उन लीव्स के अंदर जो कि मेसोफिल्स है, वो सारे मेसोफिल्स पेरेन्काइमा से ही मॉडिफाई होके बनते हैं. तो कैन वी से दैट दे आर पेरेन्काइमैटिक सेल्स? यस, यू कैन कॉल देम टू बी एज पेरेन्काइमा सेल्स. यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज एरेन्काइमा सेल्स. एरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है? जब इनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं ना, एक तो वहां पे हवा भर जाती है, इसके अलावा इनके पास सेल्स के अंदर अलग से कुछ वैक्यूल्स होते हैं जिसमें हवा भर दिया जाता है. अब ये हवा भर रहे हैं किस लिए?
बॉयंसी, प्रिटी ऑब्वियस. सो एनेनकाइमा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बॉयंसी. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एनी ऑफ दी प्लांट फर्न्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल लोटस ले लेंगे. लोटस इज नॉट अ प्लांट फर्न, बट लोटस के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर एनेनकाइमा टिश्यूज रहते हैं. इसके अलावा यू हैव एनेनकाइमा सेल्स सीन इन दी रूट पॉकेट्स ऑफ इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स एवरीवन, यस और नो, पता है कि नहीं पता है? टेरर ऑफ बंगाल, इकाइनोडर्मेटा, वाटर हाइसिंथ, याद आ रहा है जो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं इसके बारे में? ठीक है, जब तुम वापस से जब सर पढ़ा रहे, सर ने स्टार्ट किया पढ़ाना, स्टेम खत्म हो गया, मतलब रूट्स में तुमको पढ़ाया होगा कि रूट पॉकेट्स जो होते हैं, मतलब रूट कैप्स जो होते हैं, दे गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म रूट पॉकेट्स. और ये जो रूट पॉकेट्स मॉडिफाई होके बन रहे हैं उनके अंदर जनरली एनेनकाइमा टिश्यू होता है. ये एनेनकाइमा टिश्यू उनको बॉयंसी प्रोवाइड करेगा ताकि वो पूरा वाटर हाइसिंथ जो आसानी से फ्लोट कर सके. इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन हर एक टेस्ट में बोलो या फिर बुक्स में बोलो या फिर नीट के एग्जाम्स में भी काफी बारी घुमा के पूछा गया है कि कौन से ऐसे फॉलोइंग टिश्यूज है, कौन से ऐसे फॉलोइंग प्लांट्स है जिनमें रूट्स का मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होता. दैट इज पिस्टिया प्लांट, उसके रूट्स का मेजर फंक्शन वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता. तो क्या होता है सर? प्रोवाइडिंग बॉयंसी. आप क्लियर? चले आगे. इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन अपने को दिखाई देता है इसका, जिसमें कहते हैं प्रोसेनकाइमा. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोसेनकाइमा? मैं भी होना लू यू हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोसेनकाइमा, जिसमें जनरली पेरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं ना वो कभी फाइब्रस नहीं होते. ये इकलौता ऐसा एक्सेप्शन केस है जहां पे पेरेनकाइमा जो होता है वो फाइब्रस हो जाता है. अब अगर वो फाइब्रस हो जाएगा तो उसका मेन काम क्या होगा? फंक्शंस बताओ. सपोर्ट, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट. और ये काफी सारे प्लांट्स में दिखाई देता है. इट्स नॉट अ सीन के इसमें स्पेसिफिकली दिखाई देगा क्या सर? इट इज सीन इन एनी ऑफ द प्लांट्स. आर यू क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स बेटा? सारा सब कुछ क्लियर है? ठीक है, लेट्स ट्राई एंड चेक आउट. सो दैट्स व्हाई ओवर हियर इट इज गिवन दैट पेरेनकाइमा जो होता है उसके अलग अलग फंक्शनल रोल हो सकते हैं. फोटोसिंथेसिस हम देख चुके हैं, स्टोरेज हमको पता है. सिक्रीशंस कैसे हो जाते हैं इनके फंक्शन सर? व्हाई आर दे सिक्रीटरी इन नेचर? इन लॉट्स ऑफ प्लांट्स स्पेसिफिकली उनके स्टेम रीजन में, उनके ट्रंक रीजन में पेरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं वो चीजों का स्टोरेज करवाता है. बराबर? अब जब स्टोरेज अति हो जाता है तो ऑब्वियसली वो सिक्रीशंस का काम करेगा. लाइक फॉर हम कल पढ़े थे कि जो जाइलम पेरेनकाइमा होता है, नो डाउट इट हेल्प्स इन लैटरल ट्रांसफ्यूजन या लैटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बट अलॉन्ग विद दैट इट इज स्टोरिंग रेजिन, इट इज स्टोरिंग म्यूसिलेजन शीट, इट इज स्टोरिंग लैटेक्स. तो वो सब सिक्रीशंस कहां से और कौन करता है? पेरेनकाइमा इटसेल्फ करता है. समझे कि बाउंसर दानिश बाबू? चले आगे. सो टॉकिंग अबाउट पेरेनकाइमा, विल गो क्विक रिविजन कि आइसो बायलैटरल होते हैं, आइसो डायमेट्रिक होते हैं. तुमको टर्म यूज किया आइसो डायमेट्रिक एनसीआरटी में. आइसो डायमेट्रिक यानी आइसो माने सेम, डायमेट्रिक यानी डायमीटर, यानी सारे सेल्स के डायमीटर हमेशा सेम होंगे. ठीक है, इसके अलावा एक सिंगल सेल्स अगर तुम देखो तो अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, और इन सेल्स के बीच में स्पेस इज वेरी लिटिल और देर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स. ठीक है, देयर सेल वॉल विल बी कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, प्रीटी ऑब्वियस. ठीक है, एंड इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में बता रहा है वो हमको. नेक्स्ट यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कोलेनकाइमेटिक सेल्स. तो जब हम कोलेनकाइमा सेल्स के बारे में बात करते हैं, इन सेल्स में ना मतलब ये बनता पेरेनकाइमा से ही है, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिक खूबी है. क्या है ये चीज? ये पेरेनकाइमा से बनने के बावजूद इनके बीच के जो सेल्स के स्पेस होते हैं ना, उन स्पेस में केमिकल्स डिपॉजिट कर दिया जाता है. ऐसा क्यों सर? केमिकल्स डिपॉजिट कर दिया जाता है ताकि वो टिश्यू जो है वो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके. तो कौन सा केमिकल वहां पे डिपॉजिट किया जाता है सर, तुम बताओ? यू विल हैव सेल्यूलोज ओनली विच विल बी डिपॉजिटेड ओवर देयर. उसमें सेल्यूलोज ही स्टोर किया जाता है यहां. समझ पा रहे? सेल्यूलोज और पेक्टिन स्टोर किया जाता है इनके स्पेसेस में.
इसके अलावा अगर तुम ध्यान से देखो, ये सेल अगर मैं खाली पकड़ू एज एन एग्जाम्पल, इफ दिस इज द सेल, कैन वी सी देयर इज डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स एट द एजेस ऑफ सेल्स ओवर हियर. ये जो डिपोजिशन है ये भी लिग्निन, ये भी पेक्टिन और सेल्यूलोज का ही डिपोजिशन है, जहाँ पे वो उस सेल को और ज्यादा स्टिफनेस दे रहा है. ठीक है, उसका स्टिफनेस क्यों देगा वो? सपोर्ट के लिए. तो सपोर्ट के लिए स्लेरेंकाइमा है ना सर? है. वो अलग टाइप का सपोर्ट देता है, ये अलग टाइप का सपोर्ट देता है. जब हम कोलेनकाइमा का बात करते हैं ना, इसके भी सेल्स स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं. इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा बिकॉज दैट इज फिल्ड विद पेक्टिन एंड सेल्यूलोज. इनके सेल वॉल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए काफी सारे एजेस पे यू विल हैव सेल्यूलोज एंड पेक्टिन डिपॉजिटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, कोलेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जो हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और रिजिडिटी भी देता है एट सेम टाइम. ये कैसे पॉसिबल है सर? देखो, एक घास को अगर कभी जिंदगी में देखा रहेगा हमने, ठीक है, जब गार्डन में जाते हैं तुम और तुम वो घास वाले लॉन में जाके बैठ जाते हो ना, तो जनरली हम घास को उखाड़ने का काम करते हैं. लेकिन अगर कभी ध्यान से देखा रहेगा ना, तो घास जब हवा आता है ना, तो वो ग्रासेस ऐसा टिल्ट हो जाते हैं, गिविंग देम फ्लेक्सिबिलिटी. टूटता नहीं है वो हवा से, वो खाली टिल्ट होता है. हवा जाने के बाद फट से वापस खड़ा हो जाता है, राइट? तो गिरा हुआ चीज वापस फट से खड़ा हो जा रहा है. That means it has some strength, some rigidity, because of which हवा जाने के बाद वो वापस पहले जैसा खड़ा हो गया. Yes or no? So which tissue is responsible for giving both these characteristics? आप भी clear? तुमको example दिया है NCERT में with regarding leaves, कि जब हवा आता है तब leaves जो है वो हिलते रहता है, लेकिन हवा जाने के बाद leaf वापस अपने original position पे आ जाता है. तो जो leaf हिल रहा है और वापस original space पे आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है? That is with the help of Kolenkaima. Are we clear, everyone? Any doubt so far? So most of the dicots, में अगर हम बात करें तो dicotic stems में जो hypodermal layer होता है, यानी epidermis के नीचे वाला layer, वो layer हमेशा Kolenkaima से बना होता है, so that it can provide rigidity plus flexibility to that particular stem. Are we clear, everyone? Yes. Once more or understood? Understood. Everyone? Yes. सबको समझा? पक्की बात? उसे नहीं बेटा? हाँ. करते हैं? नक्की? चले आगे? चलो वीडियो की वो कोलेनकाइमा के बारे में अपने को क्या बता रहा है. सो कोलेनकाइमा में यू हैव होमोजेनस सेल्स, यानी सारे सेल्स सेम टाइप के रहेंगे. जनरली हाइपोडर्मिस में अपने को ये सेल्स दिखाई देते हैं. इनके younger stems और petioles में दिखाई देगा, pretty obvious. Older वाले में नहीं दिखाई देता उसका flexibility. Thickness रहता है with the help of cellulose as well as pectin and hemicellulose also is deposited over there. जैसे हम देख सकते हैं walls को strengthen करने के लिए अंदर के side पे भी रहता है, plus बाहर के side पे भी रहेगा. That is why it is more rigid in nature. Kolenkaima. ठीक है? Correct. There are some Kolenkaimas which also have chloroplast present in them. That is one of the modifications. So it is not necessary कि Kolenkaima से support देगा, but वो photosynthesis भी कर सकता है. Next type of tissue that we have is sclerenchyma. Somehow I have noticed in these many years कि Kolenkaima और parenchyma समझ जाता है हमको और याद भी रह जाता है कि अच्छा ये ऐसा ऐसा होता है. Sclerenchyma में बच्चों को हमेशा झोल हो जाता है, उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा एक बार समझ जाता है, लेकिन स्क्लेराइज हमको समझता ही नहीं होता क्या है. ठीक है, काफी आसान चीज होता है. पहले स्क्लेरेनकाइमा देख लेते क्या होता है. स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स जो होते हैं ना, एक तो पहले वो फाइब्रस सेल्स होते हैं, यानी लंबे होंगे, और उसको तुम टॉप व्यू से देखोगे ना तो वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं. सो जब स्क्लेरेनकाइमा पैदा होता है ना, तब वो लिविंग होता है, उसके पास साइटोप्लाज्म भी होता है और उसके पास न्यूक्लियस भी होता है.
लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो मेच्योर होता है ना टिश्यू, तब उसके अंदर के सेल्स का पूरा साइटोप्लाज्म मर जाता है और न्यूक्लियस भी मर जाता है। अब एक चीज दिमाग में गांड बांध के रखना, जो भी टिश्यूज डेथ टिश्यूज होते हैं ना, यानी कि डेथ होने के बाद भी अगर वो काम कर पा रहा है, यानी कि उसको काफी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा तो ही वो काम कर पाएगा मरने के बाद भी। और स्ट्रांग होने का क्या मतलब है, उसको मोटिवेशन देंगे क्या सर? नहीं, स्ट्रांग होने का मतलब है कि उसके जो वॉल्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा स्टिफ होते हैं, वो काफी ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, इन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर यू विल हैव अ टॉपिक कॉल्ड एज सेल वॉल, वेयर दे हैव गिवन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल्स। यू हैव मिडल लैमेले, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। हमें एक और सेल वॉल उसमें होता है जिसे कहते हैं टर्शियरी सेल वॉल, उसका मेंशन नहीं किया है उसमें। ठीक है, व्हाई दे हैव नॉट मेंशन इज बिकॉज टर्शियरी सेल वॉल डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल इज डेड। इफ द सेल इज लिविंग इट कैन नेवर डेवलप टर्शियरी सेल वॉल, दैट इज व्हाई दे हैव नॉट मेंशनड अबाउट। आर वी क्लियर एवरीवन? यस और नो बेटा? यस। तो जब हम स्क्लेरेन्काइमा का बात करते हैं एज सेल, इसके जो सेल्स रहते हैं वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं कुछ ऐसे। इनके सेल्स के अंदर भी यू हैव डिपोजिशंस, और इनके सेल के अंदर जो डिपोजिशंस रहते हैं दोज आर ऑफ लिग्निन इंस्टेड ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, योर द डिपोजिशन इज ऑफ लिग्निन। आर वी क्लियर? यस और नो? करते हैं। ठीक है, प्लस इसके सेल्स आर इंटरलॉक्ड, सो देयर इज नो स्कोप ऑफ हैविंग एनी इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स आर इंटरलॉक्ड म्हणजे काय दिख रहे हैं तुमको? समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा सेल क्या है। आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश दीज सेल्स थ्योरी, वो उतने ज्यादा पैक्ड है, दिख रहा है? सो इसके सेल्स इंटरलॉक्ड होते हैं। ठीक है, अगर इन सेल्स को बातचीत करना होगा तो सर, शुभांकर बोलते सर मरे हुए क्या बात करेगा वो, मरे हुए तो क्या हुआ, उसके अंदर से चीजें तो ट्रांसपोर्ट हो सकती है ना, और अगर वो चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाना है और सेल्स को सरवाइव करवाना रहेगा तो क्या करेंगे? तो इनके बीच में यू हैव प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच इज प्रेजेंट, जिसे कॉमन लैंग्वेज में पिट्स भी कहते हैं, छेद, जिसके थ्रू यू विल हैव कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। ठीक है, ना ये जो पोर्स है उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा नहीं कह पाएंगे प्रोमिनेंटली, बिकॉज प्लाज्मोडेस्माटा इज जंक्शन दैट कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ द टू सेल। इस भाई के साथ, इस भाई साहब के पास तो है ही नहीं साइटोप्लाज्म, तो हाउ डू आई डू दैट? इससे इनमें जनरली हम पिट्स या फिर पोर्स कह सकते हैं, दैट दे आर परफोरेटेड सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। Are we clear? Yes. Everyone, any doubts? Scleroderma fibrous होता है, लंबा लंबा ऐसा, कुछ ऐसे arranged होते हैं ये सब। ठीक है, इसको जब मैं ऐसे कट करूं तब जाके वो ऐसे दिखाई देते हैं। However, कुछ कुछ scleroderma round ball shape के भी होते हैं, spherical shape के भी होते हैं, stone जैसा दिखता है वो, इसलिए इनको हम स्टोन सेल्स कह सकते हैं या फिर हम उनको स्क्लेराइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जनरली हम फाइबर्स का बात करें तो हमने कुछ बताया कि सेल्स के अंदर ऐसे लिग्निफाइड या लिग्निन दिखाई देता है, तो सेंटर का ये इलाका तो पूरा खाली है, ल्यूमेन इज ऑल एम्प्टी, यस और नो? नाउ व्हेन ल्यूमेन इज एम्प्टी दैट मींस थिंग्स कैन इजीली ट्रांसपोर्ट थ्रू देम। इन फाइबर्स द ल्यूमेन इज जनरली वेरी, द ल्यूमेन इज कंपैरेटिवली मोर as compared to sclerites. Sclerites के comparison में xylem scleroderma fibers का lumen ज़्यादा होता है, ये चीज़ याद रखना। Sclerites के comparison में scleroderma का जो lumen होता है वो ज़्यादा होता है। Difference क्या है? जो scleroderma होते हैं वो fibrous होते हैं और जो sclerites होते हैं वो almost spherical shape के होते हैं और उनके lumen काफ़ी छोटे होते हैं। अब उनके ल्यूमेन छोटे क्यों होते हैं? बिकॉज उनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन दो गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फाइबर्स। क्यों ज्यादा होता है सर? बिकॉज उसको उस पर्टिकुलर प्लांट स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टिफनेस, रिजिडिटी या हार्डनेस देना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अखरोट देखा है कभी हमने? ठीक है, जो अखरोट हम खाते हैं ना उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है विच इज इट्स सीड कोट बेसिकली। इफ यू सी दैट सीड कोट कितना कड़क होता है, वो कड़क इसलिए होता है बिकॉज उसके अंदर होते हैं स्क्लेराइट्स।
वो स्क्लेराइज उनको उतना हार्डनेस देता है. सेम गोज विथ नारियल. करवंटी असते नारियल मध्ये, ते करवंटी जे असते त्या करवंटीत सुद्धा जे काही आपल्याला पोर्स किंवा पार्टिकल्स दिसतात ते स्क्लेराइज असतात. पेरू खाल्ले कधी? पेरू जेव्हा आपण खातात ना काही टाइम, काही वेळा जेव्हा तो जब वो कच्चा होता ना पेरू, और वो कच्चा पेरू तुम खाते हो तो तुमको ना मुंह में ऐसा कटकट कटकट आता है. उसके सीड्स नहीं, सीड्स के अलावा कुछ और भी. दैट इज नथिंग बट व्हाट यू कॉल इट एज स्क्लेराइज. चीकू भी जब खाते ना तुम, कच्चा चीकू, तो खाते समय काफी ऐसे छोटे छोटे दाने दाने आते हैं. वो छोटे छोटे दाने दाने क्या है? कुछ नहीं, बट दिस ओनली, व्हिच इज व्हाट? स्क्लेराइज. तो लेकिन पकने के बाद वो चले क्यों जाते हैं सर? पकने के बाद वो चले जाते हैं बिकॉज जब वो पकता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से वो स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो काफी बारीक पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है, जिस वजह से वो होता है वहां पे, बट यू डोंट सेंस दैट, यू डोंट फील दैट रफनेस. ठीक है, इसलिए कुछ फ्रूट्स को हम कहते हैं कि फाइब्रस फ्रूट्स होते हैं. सुना है? फाइब्रस फ्रूट्स, फाइब्रस फूड. फाइब्रस इज नथिंग बट दे हैव मोर अमाउंट ऑफ स्क्लेराइड्स प्रेजेंट इन देम व्हिच हेल्प इन इजी बाइंडिंग टू द सब्सटेंसेस एंड बाउल क्लीनिंग. आवे क्लियर? स्क्लेराइड समझा, स्क्लेरेन्काइमा समझे? कोई डाउट्स है स्क्लेराइड्स में अभी? सो स्क्लेरेन्काइमा के पास जो सेल वॉल्स रहेंगे स्क्लेरोसिस डेड बेसिकली. ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट स्क्लेरेन्काइमा, या सी दिस इज हाउ दे लुक लाइक. पूरा अंदर से खाली खोखला होता है और इनके ऊपर पिट्स होते हैं. पिट्स आर नथिंग बट छेद. इसके अलावा दे विल हैव लिग्नन डिपोजिशन आल्सो सीन इन देम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, यू मे हैव फाइबर और यू मे हैव स्क्लेराइड्स. स्क्लेराइड्स देखा ल्यूमेन कितना छोटा है, और अभी पीछे देखा तो ल्यूमेन कितना बड़ा था. और ये पूरा जो है वो लिग्नन से डिपॉजिटेड है, और इसलिए डिपॉजिटेड है ताकि ये ज्यादा हार्ड या स्टिफनेस दे सके और स्टिफनेस प्रदान प्रोवाइड भी कर सके जिस स्ट्रक्चर में वो जाएगा उसको. ठीक है, फाइबर्स के पास पिट्स होते हैं, छेद होते हैं, और अंदर ल्यूमेन रहेगा, ल्यूमेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आगे जा सकते हैं ना हम. सो दीज आर द थ्री सिंपल परमानेंट टिश्यूज व्हिच टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर प्लांट. जब प्लांट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं हम, ये तीनों टिश्यूज मिला के पूरे प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम डेवलप करवाता है. अब ये टिश्यू सिस्टम क्या होता है? प्लांट के अंदर जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, वैसे ही प्लांट में भी अलग अलग टिश्यू सिस्टम्स होते हैं. सो देयर आर थ्री टिश्यू सिस्टम्स दैट आर सीन इन प्लांट स्पेसिफिकली. There are three tissue systems in plant, which is epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. ये तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं जो अपने को प्लांट के अंदर दिखाई देते हैं. Let's try and understand each of them one by one. जब हम बात करते हैं epidermal tissue system का, epidermal tissue system generally plant की epidermis layer पे दिखाई देता है, यानी बाहर के layer पे दिखाई देगा. अब जब हम बाहर के layer का बात करते हैं तो leaves के अंदर you will have leaf epidermis, plus it will have stomata present in them. Stem के अंदर it will have trichome and roots के अंदर they will have root hairs. ठीक है, जब leaf के epidermis layer के बारे में बात करते हैं, हमारे पास होता है upper epidermis and lower epidermis. Upper epidermis को कहते हैं adaxial, lower वाले को कहेंगे abaxial. दोनों में ही parenchyma जैसे cells अपने को दिखाई देते हैं, जो generally रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, उनके ऊपर क्यूटिकल लेयर रहता है ताकि ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल कर सके. ठीक है, एज आई सेड पेरेन्काइमा से बना है तो वो सेल का स्ट्रक्चर भी सब पेरेन्काइमा के क्वालिटी वाला रहेगा. उसके पास क्यूटेन रहता है. क्यूटेन क्या होता है बेसिकली, अगर हमने कभी कुछ सी लीफ को देखा रहेगा ना, जैसे अगर सामने जो प्लांट अपने पास है उस प्लांट का अगर लीफ तुम देखोगे तो लीफ के ऊपर का लेयर काफी शाइनी होता है और नीचे का लेयर उतना ही ब्लर होता है, शाइनी नहीं होता, बट मैट फिनिश होता है. ठीक है, तो वो शाइनी अपीयरेंस इसलिए रहता है बिकॉज उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट वैक्सी शुगर होता है जिसे हम कहते हैं क्यूटिन, और क्यूटिन के प्रेजेंस की वजह से उस लेयर को हम कह देते हैं क्यूटिकल. वी कॉल दैट लेयर टू बी एज क्यूटिकल. आर वी क्लियर बेटा?
ये क्यूटिकल क्या काम करेगा, ट्रांसपिरेशन रेट को रेगुलेट करने के लिए वो हेल्प करेगा। ठीक है, जनरली हम चाहते हैं कि लीव्स में से ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, तो वो लीफ में से ट्रांसपिरेशन कम से कम होने के लिए ये क्यूटिकल लेयर लगाया जाता है। हाउएवर फैसिनेटिंग चीज ये है कि हम बोलते हैं कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, लेकिन जिससे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसपिरेशन होता है विच इज स्टोमेटा, उसके ऊपर क्यूटिकल होता ही नहीं। सर तो क्या फायदा क्यूटिकल का? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन बेसिकली। दूसरे सेल्स में से भी तो इवेपोरेशन हो सकता है पानी का, इवेपोरेशन से डेसिकेशन हो सकता है, एटलीस्ट वो नहीं होगा। ठीक है, so yeah they have cuticle like structure which is present with them. Apart from that they also have something called as stomata. Now when you talk about stomata, generally dicots ke paas stomata sirf lower layer pe rehta hai, monocots ke paas stomata upper as well as lower layer pe hota hai. Stomata ka structural agar distribution dekhne jayenge to they have guard cells which are present, dicots hoga to kidney bean shape ka rahega. They have chloroplasts present in them and chloroplasts ke sath sath they have some radial microfibrils also present. जो radial microfibrils है, जो radial microfibrils अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, they are composed of cellulose in nature. ठीक है, और ये microfibrils क्या काम, they are radially arranged fibers that are there. इसके ऊपर ना एक question आया था 2017 या 18 में, और काफी बच्चे इसको गलत मार करके आए थे। इट वाज एन एनसीईआरटी स्टेटमेंट ओनली, तो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा था दे न्यू दैट दीज आर, मतलब क्वेश्चन वाज कि स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन हेल्प करता है। ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस थे जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गलत मार्क किए थे, जहां पे उन्होंने बोला था कि अंदर का वॉल जो रहता है, वॉल का इनर सर्फेस रहेगा वो थिक रहेगा और आउटर लेयर जो रहता है वो थिनर रहता है, जिस वजह से उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद हो जाता है, जो गलत है, मतलब कुछ हद तक सही है, बट देन इन वॉल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले ये रेडियली अरेंज माइक्रोफाइबर्स होते हैं व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। आर वी गेटिंग द पॉइंट? या बाउंसर नहीं समझा? आदित्य तू जाग रहे हैं या खाली मजे लूट रहे हैं इसी का मुफ्त में? पक्का क्या बोला मैं? कौन? कौन? हाँ संकेत, उसका नीट तू ही देना बेटा। ये जो यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स दिखाई दे रहा है ना गदड़े, वो सेल्यूलोज से बना होता है और वो खींचता है सेल वॉल को आगे पीछे। ठीक है, so opening and closing is regulated by them. इसके अलावा आसपास they have subsidiary cells also. ये subsidiary cells क्या करेगा? करता होगा सर कुछ, हमको क्या पता सर? Subsidiary cells इस particular stomata के opening and closing के लिए पानी चाहिए, तो पानी वो कहाँ से लाता है? ये subsidiary cells उनको लाके देते हैं। अब क्लियर? यस सर ना बेटा? यस। सो दिस central opening is called a stomatal aperture. This becomes guard cell having thinner wall and inner thicker wall. Cytoplasm will have vacuoles present in them, plus they have chloroplast present. Chloroplast के द्वारा जब वो photosynthesis करता है तब वो glucose बनाता है। उस glucose को cell cytoplasm में properly store करवाने के लिए पानी चाहिए होता है, तो बाहर से पानी खींच के लाता है ताकि इसके अंदर cytoplasm में glucose रह सके। ठीक है, जैसे ही पानी अंदर आता है तो एंडोस्मोसिस की वजह से ये सेल्स जो वो स्वेल हो जाते हैं। सेल्स जैसे ही स्वेल होते हैं ये अंदर वाला वॉल जो है वो पीछे की तरफ खींचने के लिए, यू हैव रेडियल माइक्रोफाइबर्स व्हिच आर प्रेजेंट व्हिच टेंड्स टू पुल देम बिहाइंड एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टोमाटा गेटिंग ओपन। आर वी क्लियर? यस सर नो बेटा? ठीक है, जब हम बात करते हैं स्टोमाटा की, तो स्टोमाटा के गार्ड सेल्स का जो शेप है ना वो दो टाइप के हो सकते हैं। अगर मोनोकॉट हुआ तो डम्बल शेप हो सकता है, डाइकॉट हुआ तो किडनी बीन शेप हो सकता है, जैसा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब वो डिटेल बता रहे कि बाहर का वॉल पतला होता है और अंदर का वॉल जो होता है काफी ज्यादा थिक होता है, इस वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग आसान हो जाता है उसके लिए। ठीक है,
You have subsidiary cells which are present around it, which are responsible for having water supply के लिए help करता है. Water supply है, कभी कभार nutrients चाहिए रहेगा तो उसके लिए भी. और stomatal aperture जो रहता है, उस aperture के मदद से exchange of gases हो सकता है, या फिर evaporation of water भी हो सकता है during transpiration. So that's stomata basically. जब हम epidermal layer का बात करते हैं, दूसरा stem के अंदर generally, stem और root के बारे में बात करेंगे. हमारा NCERT में there is one simple line given that roots will have root hairs, stems will have trichome. We'll go slightly more detail in that. जब हम root hairs का बात करते हैं, root hairs unicellular होते हैं, and they are cytoplasmic extension. They are non-branched in nature, meaning they are unbranched. Non-branched ऐसा कोई शब्द नहीं होता. They are unbranched in nature. याद रखना ये चीज. Trichome और root hairs का difference अगर देखेंगे, तो trichome unicellular होते हैं, unbranched होते हैं और cytoplasmic extension होता है. मुझे क्या है? The high particular cell ऐसे क्या cell nets extension होते हैं. समझा क्या रे? थोड़ा गंदा मराठी बोला मैं. सेल का साइटोप्लाज्म ही एक्सटेंड होता है और रूट हेयर बनाता है. जबकि जब हम ट्राइकोम, तो रूट हेयर का काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जब हम ट्राइकोम का बात करते हैं, जो अपने को स्टेम के अंदर दिखाई देता है, ट्राइकोम्स का क्या काम होता है? ट्राइकोम्स हमको देखने से पता चला है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं. दिख रहे? ये अनब्रांच्ड हो सकते हैं या फिर ब्रांच्ड हो सकते हैं. ठीक है, ट्राइकोम्स का मेजर फंक्शन क्या होगा सर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइकोम? ट्राइकोम बेसिकली हेल्प्स इन रिडक्शन इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, इट विल नॉट अलाउ ट्रांसपिरेशन टू हैपन. आर वी क्लियर? चले आगे. या रूट्स विल हैव रूट हेयर्स. अंडर माइक्रोस्कोप रूट हेयर्स कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, which will be responsible for absorption of water, unicellular, cytoplasmic extensions. ठीक है, they have largest central vacuole present in them. Talking about stem के अंदर होगा trichome, which can be which are always multicellular. They can be branched or unbranched in nature, responsible for reduction in the rate of transpiration. Are we clear up till here? Any doubts? Bakki baat. Chalo. Next you have something called as ground tissue system. Jab hum ground tissue system ka baat karte hain, ground tissue kya hota hai? Base jo hota hai na, usse hum ground tissue kehte hain. Jab animal tissue padhe the tu, tab tumne padha tha ki epithelium mein koi matrix nahi hota. Phir tumne padha ki connective tissue mein bahut zyada matrix hota hai. फिर तुमने पढ़ा कि मस्कुलर में भी मैट्रिक्स होता है लेकिन कनेक्टिव जितना नहीं, और न्यूरॉन में मैट्रिक्स होता है लेकिन अगेन सेम थिंग, इसके जैसा नहीं होता. तो ये मैट्रिक्स क्या होता है? मैं एनिमल टिश्यू के समय पे उसे मैट्रिक्स कह सकता हूँ, लेकिन प्लांट टिश्यू के समय पे मैं उसे ग्राउंड टिश्यू कहूंगा. ऐसा क्यों बोल रहे सर? ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं? जहां जहां पे खाली स्पेस दिखता है ना, वहां वहां पे पैरेन्काइमेटिक सेल्स जा जाके बस जाते हैं. ठीक है, अब जब ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स जा जाके बसते हैं, तो उनके अलग अलग फंक्शनल रोल रहता है. ऐसा नहीं है कि अंदर वो गया एंड वो उधर जा जाके बस जाता है, एंड अकॉर्डिंगली इट ट्राइज टू प्ले रोल, उसका खुद का रोल वो वैसे प्ले करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पिथ का बात करें, पिथ एवरीवन, प्लांट के एग्जैक्ट सेंटर पे बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं. उन एपिथेलियल सेल्स को हम कहते हैं पिथ, जो क्या काम करता है? स्टोरेज. इसके अलावा प्लांट के पास होता है एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करेगा. ठीक है, बट एंडोडर्मिस इज नॉट पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू. रादर एंडोडर्मिस के अलावा यू विल हैव एंडोडर्मिस इज पार्ट ऑफ एंडोडर्मिस विल बी पार्ट ऑफ योर ग्राउंड टिश्यू. ठीक है, उसका पार्ट होता है प्रोटेक्शन करवाना. इसके अलावा यू हैव कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा. अगेन उस पैरेन्काइमा का काम क्या होगा? स्टोरेज. अगेन फिर हमारे पास होते हैं हाइपोडर्मिस स्टेम्स के अंदर, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू. लीव्स का बात करेंगे तो यू हैव मेसोफिल्स व्हिच आर प्रेजेंट व्हिच इज पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू. बेसिकली अगर तुमको पूछा कि ग्राउंड टिश्यू के एग्जांपल बताओ, जाइलम फ्लोएम और एपिडर्मिस वाले जो भी हमने देखे, इनको छोड़ के बाकी जो भी तुम टिश्यूज अलग अलग पढ़ रहे हो ना, सारे टिश्यूज विल बी पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम.
Are we clear? No. Any doubts? So that will include your pith, your suspensory, your subsidiary cells, and all subsidiary cells. It will have your pith hoga, pericycle hoga, tumhara cortex ho jata hai, endodermis ho jata hai, pericycle ho jayega, sub. Sub will be example of ground tissue. ठीक है, ठीक है, चले आगे, आगे चलेंगे वैस्कुलर टिश्यू देखने के लिए कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स क्या होते हैं। जब हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स का बात करते हैं ना, हमारे पास दो टाइप के वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स दिखते हैं। चेक करो, इधर तो एक ही दिखाया है, ठीक है, हाँ, डाइकॉट और मोनोकॉट का स्टेम नहीं है, लेकिन इट इज नॉट येट एनाटॉमी, दैट इज नॉट द फील्ड। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो ना, वो तुमको खाली बताना चाहता है कि ग्राउंड टिश्यू के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। चलो देख लो, ग्राउंड टिश्यू में यू विल हैव कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, यू विल हैव पिथ एज एन एग्जांपल्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन योर रूट्स, व्हेरएज व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेम, लीव्स का बात करेंगे तो लीव्स के अंदर यू हैव मेसोफिल सेल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू बी पार्ट ऑफ योर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, डाइकॉट रहेगा तो दो टाइप के मेसोफिल्स रहेंगे, मोनोकॉट रहेगा तो एक ही टाइप के मेसोफिल्स रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज नथिंग बट किस तरीके से एग्जैक्टली जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड होते हैं। सो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट अलग अलग टाइप से हो सकता है। ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहां पे जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, इसे हम कहते हैं कॉन्जॉइंट, and we call it as collateral because they are arranged laterally over here, baju baju. So this is conjoint collateral. Agar beech mein cambium hua, to it is open. Cambium nahi hua, to it is closed. So generally, jitne bhi monocots hote hain, unke paas cambium nahi hota. To unke jo vascular tissues hai, unka arrangement is classified to be as conjoint collateral closed for monocots. Dicots mein kya ho jayega? Conjoint collateral open. Are we clear? Did we understood? Conjoint collateral type के हमको vascular tissues कहाँ देखने मिलेंगे sir? Roots में, shoots में, कहाँ पे? Shoot में, that is stem में. Stem के अंदर जितने भी vascular tissues रहेंगे, वो इसी format में रहते हैं. Are we clear? They are conjoint collateral. वहीं पे जब हम roots का बात करेंगे, roots will not have conjoint collateral, rather they will have radial arrangement seen. ठीक है? Yeah. So vascular bundles, when we talk about, you have xylem inside and phloem outside, and cambium which is present at the center. So if cambium is present, you call it as open type. If cambium is absent, you call it to be as closed type. So open type is generally seen in dicot stem, which helps in provision of secondary growth in the plants. ठीक है, cambium का major role is to have secondary growth. कल ही बता चुका हूँ कि secondary xylem और primary xylem क्या होता है। जबकि monocot का बात करेंगे तो उनमें closed type का vascular system होता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि उनमें closed type का system होता है, that means cambium नहीं होगा, और cambium नहीं होने की वजह से उनके अंदर कभी भी secondary growth हमको दिखाई नहीं देगा। यानी primary xylem रहेगा तो primary xylem ही रहेगा, primary phloem रहेगा तो primary phloem ही रहेगा, they will not show the presence of secondary xylem or phloem. So इसके अलावा you also have a radial arrangement to be understood. When you talk about radial arrangement, वो roots का खासियत होता है, जहाँ पे xylem और phloem alternatively arranged रहते हैं हमेशा. ठीक है, अब xylem और phloem जब alternatively arranged रहते हैं, इनके बीच जब xylem और phloem हम बता रहे हैं कि रेडियली अरेंज रहते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, अब इसमें ये सीन आता है कि अपने को एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट आगे आगे उसने एक्सप्लेनेशन दिया है जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं रूट, स्टेम्स और लीव्स का, वो वहां पे बता रहा है कि जब ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज रहते हैं ना, तब इनके अंदर भी कैम्बियम टिश्यूज होते हैं जो कुछ इस तरीके से यू शेप में रहता है ऐसा। सो अगर इनमें कैम्बियम हुआ तो उनके रूट्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देगा, लेकिन अगर कैम्बियम नहीं हुआ तो इट विल बी नॉट शोइंग द सेकेंडरी ग्रोथ।
तो रेडियल अरेंजमेंट विल ऑल्सो हैव ओपन टाइप और क्लोज टाइप सीन इन देम. जनरली कैम्बियम इज प्रेजेंट फॉर डाइकॉट, एब्सेंट फॉर मोनोकॉट्स. सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि जब रेडियल अरेंजमेंट रूट्स में दिखाई देंगे तो मोनोकॉट रूट्स में कैम्बियम नहीं होगा, डाइकॉट रूट्स में कैम्बियम होगा. आप क्लियर बेटा एवरीवन? एनी डाउट्स? आसान चीज. चले आगे. बाकी कॉन्जॉइन तो हम पढ़ चुके हैं. So that's where we end up understanding about different tissue systems of the body. Next that we have to understand ki alag alag anatomies kya hote hai, roots ke, stems ke aur leaves ke kaun se alag alag type ke arrangements ya kaun se alag alag type ke anatomies dikhai dete hai. Theek hai, ab isme na aise diagram based question tumko aaj tak kabhi pucha nahi gaya hai NEET mein. Iske basis pe tumko statement wale questions hi aate hai iske andar, ya to kuch यूनिक इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इस कॉन्सेप्ट पे तुमको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आएंगे. ठीक है, बिफोर वी गो अहेड कैन वी रीड अप टिल योर फर्स्ट एंड देन गो अहेड. ठीक है, चलो गोइंग फॉर द नेक्स्ट. जब हम टिश्यू सिस्टम्स की बात करें, एनाटॉमी का बात करें, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की एनाटॉमीज दोनों के अलग अलग होते हैं. ठीक है, स्पेसिफिकली जब बात करें उनके रूट्स के, हमको पता है कि डाइकॉट्स विल हैव टैप्रूट एंड मोनोकॉट्स विल हैव फाइब्रस रूट्स. सो विद दोस व्हेन आई टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट डाइकॉट रूट सिस्टम, उसका एनाटॉमी कुछ ऐसा दिखाई देता है. अब इस एनाटॉमी में ऊपर वाला जो रीजन यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज एपिडर्मिस. द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. एंड दिस एपिडर्मिस का जो पूरा लेयर होता है जिसमें से तुम्हारे रूट हेयर्स बाहर निकल रहे हैं, दिस इज ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस इज रूट हेयर्स. ठीक है, ये जो रूट हेयर्स इनमें से बाहर निकल रहे हैं, तो इन लेयर को, एपिडर्मल लेयर को, यू मेनी टाइम्स आल्सो कॉल इट एज पिलीफेरस लेयर ऑफ सेल्स. यू आल्सो कॉल इट एज पिलीफेरस लेयर ऑफ सेल्स. ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन काफी बार पूछा जा चुका है नीट एग्जाम्स. ठीक है, पिलिफेरस लेयर ऑफ सेल्स होता है ये, जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं. एपिडर्मिस के जस्ट नीचे इनके पास हाइपोडर्मिस जैसा नहीं होता. रूट्स में यू डू नॉट हैव हाइपोडर्मिस. रूट्स में एपिडर्मिस के नीचे डायरेक्टली एक थिक लेयर होता है पैरेन्काइमा सेल्स का, जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स. This entire cortex is composed of parenchyma. अब जब ये parenchyma से बना है तो इसका क्या function हो जाएगा? Storage of food. जब कभी भी हम पता है potato के बारे में देखते हैं या फिर हम carrot, radish, morphology में तुम पढ़े होगे ये चीज कि carrot और radish जो है वो food store करता है, तो वो जो food store कर रहा है वो कहाँ पे store करता है? Roots के अंदर, cortex. आप क्लियर एवरीवन? कान में से निकालो बेटर, हम डू क्लास के बाहर. ठीक है, इसके बाद कॉर्टेक्स सेल्स के बाद जब हम स्ट्रक्चर बात करते हैं, विच इज दिस स्पेसिफिक रीजन, कैन यू सी दिस रीजन? दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. ये एंडोडर्मिस लेयर जो है ये क्या काम करता है? व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन? एंडोडर्मिस की जब सेल्स के बारे में बात करेंगे, ये वीडियो में वापस मैं तुमको बताऊंगा, वो क्लैरिटी भी तुमको आएगा वीडियो में. एंडोडर्मिस की सेल्स जो होता है ना, पहले तो बताया गया कि इसके सेल्स बैरल शेप के होते हैं. बैरल शेप मतलब क्या? कुछ नहीं, रेक्टेंगुलर. फैंसी टर्म यूज किया है खाली, बट ये रेक्टेंगुलर होता है कुछ ऐसा, और सेंटर से थोड़ा सा फुगा हुआ होता है बस, और कुछ नहीं. इनके पास ना जैसे अपना सैटिन रिबन होता है ना, जैसे जब तुम गिफ्ट देते हो किसी को, तो सपोज आई एम गिफ्टिंग दिस बुक टू समवन. ठीक है, तो हम गिफ्ट देते समय सैटिन रिबन बांधते हैं. अगर हम पैसे वाले रहेंगे तो अच्छे से उसको गिफ्ट देना चाहते हैं तो हम सैटिन रिबन बांध के देते हैं उसको, नहीं तो क्या ऐसा कुछ निराश करके दे ले. और पहली बार तो बुक देते ही नहीं हम. ठीक है,
ना बुक्स कौन देता है? सो व्हेन यू आर जब सैटिन रिबन टाई करते हैं तो सैटिन रिबन कैसा ऊपर से भी जाता है और ऐसे भी जाता है। लाइकवाइज तुम्हारे एनसीईआरटी में भी टर्म बताया है कि जो एंडोडर्मिस होता है ना, अगर वो सेल का 3D स्ट्रक्चर, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दैट 3D स्ट्रक्चर, ये ऐसा अगर 3D स्ट्रक्चर है उसका, तो इसमें ऊपर के तरफ लाइक दिस ऐसे भी तुमको पूरे ऐसे लेयर मतलब वर्टिकली एज वेल एज लैटरली यू विल सी प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ शुगर व्हिच इज कॉल्ड एज सुबेरिन। You have a special type of sugar over there, which is called as suberin. ये suberin का जो vertical as well as horizontal deposition है, उस deposition को you call it to be as Casparian strips. क्योंकि वो पट्टी के जैसा है ना, इसलिए हम उसे कहते हैं Casparian strip. इसका क्या खासियत है सर? इसका खासियत ये है कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं वो सुबेरिन से बना है। सुबेरिन इज अ वैक्सी शुगर। अगेन वैक्सी शुगर मतलब क्या है सर? वैक्स पानी को रिपेल करता है, तो ये सुबेरिन भी पानी को रिपेल करेगा। तो जब रूट हेयर्स पानी को एब्जॉर्ब करके जाइलम फ्लोएम तक लेके जाना चाहता है, जाइलम तक जब पानी को लेके जाना चाहता रहेगा, तब ये जो एंडोडर्मिस होता है ना वो बीच में शाकाल बना बैठा होता है, बोलते मैं तेरे को जाने नहीं देगा, लेकिन पानी शातिर होता है, ठीक है, पानी कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर ही लेता है जाने का। तो वो पानी क्या करता है बेसिकली, इज दिस विजिबल एवरीवन? पानी क्या करता है, ये साइड में जो स्पेस रहेगा ना, माने अगर ये मैंने बुक को ऐसा ये पट्टी से इसको बांधा ना ऐसे, अगर ये पट्टी से इसको यहाँ पे मैं ऐसे बांध रहा हूँ, ये पट्टी के ऊपर और नीचे जो स्पेस है ना, पानी जो है वो यहां से जा सकता, इस पट्टी से नहीं जाएगा बट घूम के दूसरे जगह से जाएगा, ठीक है। अब होता सेम सेल है बट यू कॉल इट टू बी एज पैसेज सेल। वाटर डज नॉट गेट एंटर थ्रू कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बट देन दे पास थ्रू द पैसेज सेल्स। आर वी क्लियर अप टिल हियर? पैसेज सेल्स क्या होते हैं सर? एंडोडर्मिस ही होता है और कुछ नहीं। समझ पा रहे कि नहीं? चल भाई, तो उसे थैंक यू, उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस कहेंगे उसे। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे ना एक पतला सा लेयर होता है जो हमको स्ट्रक्चरली कभी दिखाई नहीं देता, उस लेयर को हम कहते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल का काम क्या होता है सर? पेरिसाइकल का काम होता है कि अंदर का जो स्टील होता है, तुमको पता है स्टील क्या है? मैं ना बताऊ तो भी ठीक है, जिसे नहीं पता है, अंदर के दूसरे जितने भी ऑर्गेनल्स है ना, अलग अलग टिश्यूज जो है, वो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन बराबर बना रहे, वो मेंटेन करवाने का काम होता है पेरिसाइकल। गलत है कि नहीं? कर लो। सो दिस एंडोडर्मिस विल हैव अ स्मॉल लेयर ऑफ टिश्यूज ओवर हियर आल्सो टू व्हाट यू कॉल इट टू बी एज पेरिसाइकल। आप क्लियर? अब जब हम पेरिसाइकल का बात करते हैं, यहाँ पे गोइंग डाउन अ बिट मोर, क्या ये चूम हो तो इधर देखना, जब हम पेरिसाइकल का बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद यू विल हैव ग्राउंड टिश्यू कंप्लीटली। हम ये सारे टिश्यू को ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। खाली बीच का जब आता है ना ये पार्ट, इसे हम कहेंगे पिथ। क्या कहेंगे? PIDH। पिथ विल बी कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे टिश्यूज क्या हो गए? ये जो लाल लाल दिख रहा है ना अपने को, ये हो जाएगा तुम्हारे जाइलम। पीला पीला जो दिख रहा है ना, वो हो गया तुम्हारा फूड स्टोरेज, व्हिच इज व्हाट? फ्लोएम फूड स्टोर करता है। कोई कनेक्ट भी नहीं कर रहा है कि सर फूड ट्रांसपोर्ट करता है करके। शुभाकर बोला पहले पता तो होना चाहिए सर। बोला मन में नहीं बेटा, स्वर पेटी से बाहर निकालना पड़ता है उसे। आया ना कान पे, एंड स्क्रू।
जो फ्लोएम रहता है दैट विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, यस और नो? आदित्य कौन से टाइप का अरेंजमेंट हुआ फ्री वैस्कुलर सिस्टम में? बोल रहे फटाफट या जूता खाएगा? तू सच में जूता खाएगा? हाँ, तू शक की नजर से पूछ रहा है, पूछ रहा है, बता रहा है मेरे को? इट इज अरे ते क्वेश्चन लिख, 6:30 बजे ना 50 वाली, 6:30 बजे के बाद 50 वाली लिख के जाएगा तू। जब साइलम और फ्लोएम अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं उसे हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, और तू वो लिख के बकायदा मुझे दिखाने के बाद तू घर पे जाएगा। सो दिस इज रेडियल अरेंजमेंट। अब इसमें भी ना एक टर्म यूज होता है विच इज आर्च अगेन। कितने है ये? 4 है ना? चार पेयर्स है जाइलम फ्लोएम, यू गॉट इट, टेट्रार्च अरेंजमेंट। अब क्लियर, यस और नो? अब कल मैंने तुमको एंडार्च और एक्सार्च के बारे में सब बताया था, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के बारे में बताया था। तुम इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे बताओ कि ये किस टाइप का अरेंजमेंट होगा। दानिश आई वांट आंसर फ्रॉम यू। मेटाजाइलम क्या? मेटाजाइलम क्वेश्चन लिख, लास्ट बेंच। नाम क्या बेटा? शिवम। हाँ शिवम, बताओ मेरे को किस टाइप का अरेंजमेंट है? वैष्णवी नहीं दिया अपने को एनसीईआरटी में, कितना भी हम छान मारे। ए रुतिका बताओ, वैष्णवी क्वेश्चन लिखो, शिवम क्वेश्चन लिख, वैष्णवी के बाजू में बोल सकते बेटा। मानसी क्वेश्चन बताओ क्या है? व्हाई एग्जैक्ट हाउ डिड यू डिसाइड के प्रोटोसाइलम बाहर मेटासाइलम अंदर है? एवे जय माता दी हैं? या फट से देख लिए थे मैं एनसीईआरटी में? मानसी के आगे क्वेश्चन लिख, मानसी क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। नहीं, नाम क्या है? सृष्टि। यस सृष्टि। व्हाई एग्जैक्ट? कैसे पता चला प्रोटोसाइलम बाहर है? वहां पे तो कहीं भी लिखा नहीं। क्वेश्चन देख, संकेत एग्जाम कैसे रूट्स में होता है? हाँ, लेकिन किस बेसिस पे बता रहे हैं हम? एनाटॉमी रूट्स का चल रहा है ना। देख के तुझे कैसे पता चला? वो बोल रहा हूँ मैं कि प्रोटोसाइलम बाहर है और मेटासाइलम अंदर है, नहीं पता चला ना? कल मैंने इसका ट्रिक भी तुमको बताया था, ठीक है? और कल बराबर आंसर दिए थे, आज हम रिवाइज करके नहीं बैठे। क्या ही फर्क पड़ता बायोलॉजी हमको आता है। हाँ आदित्य के पीछे बोल, तेरा नाम एग्जार्च है, तेरा नाम क्या है? केतन। हाँ एग्जार्च क्यों है? अब ये मत बोल प्रोटोसाइलम बाहर है, दिखा कैसे तेरे को? क्वेश्चन एक, बीच में का स्पेस किसके बीच में का, तेरे या मेरे? प्रोटोसाइलम के बीच में का स्पेस। नाम क्या है? त्रिभुवन। हाँ श्रेयस, किधर बीच में का स्पेस तेरे को दिख रहा बेटा इसमें? क्वेश्चन लिखो श्रेयस, क्वेश्चन लिख। यश क्वेश्चन लिखो। हमने फिर नो द आंसर, क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख। शिवानी लिख, क्वेश्चन लिखो। यस क्योंकि वो जो स्टोरेज है ना बाहर से साइड से आया टूवर्ड्स द रूट, उसका छोटे छोटे अंदर जाके बड़ा पेरिफेरी पे छोटा वाला दिख रहा है, छोटा वाला प्रोटो, बड़ा वाला मेटा। ये बेसिक मैंने तुमको आइडेंटिफिकेशन बताया था कल। और यहाँ पे बड़ा वाला अंदर की तरफ है, छोटा वाला बाहर, मतलब प्रोटोसाइलम इज आउटसाइड एंड टास्क इज एग्जार्च इन नेचर। अंडरस्टूड? एग्जार्च तो बाकी लोग सबका छाप रहे थे जो एक आंसर दे दी थी उसका। सॉर्ट, चले आगे।
सो यहाँ पे एक्सार्च अरेंजमेंट दिखा रहा है वो, प्लस एक्सार्च के साथ साथ टेट्रार्च भी बताते हैं हम। टेट्रार्च में जगह चार पैर होते हैं उसके पास, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस जगह पे ना ऐसे ऐसे एक टिश्यू होता है जो जाइलम और फ्लोएम को कनेक्ट करता है, क्योंकि वो जाइलम और फ्लोएम को कनेक्ट करता है, हम उसे कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कंजंक्टिव टिश्यू। क्या मतलब? कंजंक्टिव टिश्यू। त्यानंतर उसके अलावा यू ऑल्सो हैव ऐसे वाला एक टिश्यू जो सिर्फ डाइकॉट है ना, ये इस वक्त तो सिर्फ डाइकॉट में दिखाई देगा। ये वाला टिश्यू क्या हो जाएगा? कैम्बियम टिश्यू। सिंपल, दैट कैम्बियम टिश्यू विल हेल्प इन प्रोविजन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये कैम्बियम टिश्यू, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये पेथ, ये कंजंक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये सारा मिला के प्लस पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस पूरा मिला के बन जाता है समथिंग कॉल्ड एज स्टील, ठीक है। ऐसे हम कह देंगे स्टील। अब क्लियर आप टिल हियर? डिड यू अंडरस्टूड द एंटायर एनाटॉमी एवरीवन? वंस मोर और अंडरस्टूड एवरीवन? नक्की पक्का? वीडियो के साथ देखते हैं। So as said, outer layer what you see is called as epidermal layer, which will have root hairs present in them. बस शुभ बातें नहीं चाहिए। They will have root hairs present in them. इसके अलावा epidermis के नीचे होता है cortex, जो basically parenchyma cell से बना होगा, और क्योंकि वो parenchyma cell से बना है इसलिए हम कहते हैं कि it will be responsible for storage of food. However, हमारा NCERT उसको कैसे classify करता है कि वो parenchyma है कि उनके बीच में space है। फिर आता है एंडोडर्मिस लेयर। एंडोडर्मिस के सेल्स को अगर हम मैग्निफाई करके देखें तो ऐसा ही सेट कि वो बैरल शेप के सेल्स होते हैं और उनके ऊपर कुछ स्ट्रिप्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है? ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल रेडियल, जिसे हम लोग कह रहे हैं। सो ट्रांसवर्स एंड रेडियल वॉल्स पे ये पिंक कलर का जो स्ट्रिप्स है ना, दैट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एज सुबेरिल। तो ये ब्लू ब्लू रीजन है ना, पानी उधर से अंदर घुस जाता है, समझ पा रहे? और उधर से जब घुसता है तो उसे हम कहते हैं पैसेज सेल के थ्रू पानी अंदर घुस गया। पैसेज सेल कुछ अलग नहीं होता, होता वही है। एंडोडर्मिस के अंदर एक पतला सा लेयर होता है जो डायग्राम में कभी दिखता नहीं अपने को, जिसे हम कहते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल का फंक्शन क्या होता है वो मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो अंदर के सारे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज हो वो मेंटेन करवाता है। जूम करके अगर देखें हम स्टील वाला पार्ट, तो पेरिसाइकल के अंदर यू विल हैव vascular cambium which is present between xylem and phloem. You have pith which is present at center, that is composed of parenchyma which is responsible for storage of food. Iske alawa you will have xylem present jisme metaxylem is inside and protoxylem is outside, so it is exarch arrangement, and xylem and phloem alternatively arranged, that means it is a radial arrangement of vascular tissues over here. They have cambium ring because of which they can help in showing secondary growth, and they have conjunctive tissues जैसे मैंने बताया। Are we clear? Everyone? Conjunctive tissue क्या काम करता है? Xylem और phloem को attachment करवाने के लिए वो help करेगा, चिपकने के लिए help करेगा बाजू बाजू के लिए। ठीक है, अब ये सारा structure जो हम देखे हुए जिस endodermis हुआ, pericycle हुआ, तुम्हारा xylem phloem हुआ, तुम्हारे cambium और pith हुआ, ये सब मिला के together you call seal. Sorted है? Everyone? Any doubts? जब मैं monocot और dicot के बीच का difference देखूँ ना, monocot और dicot roots के anatomy में अगर हम difference देखेंगे, तो सारा सब कुछ almost same होता है. Few differences is that number of root hairs in monocot is less as compared to dicot. First. Second difference is that number of xylem phloem pair is more in monocot as compared to dicot. So this is more than 6, because of which monocot ke andar kehte hai polyarch. Yaad rakhna ye cheez. Monocot ke paas hota hai polyarch. Are we clear? Third difference is that iska pith kafi bada hota hai uske comparison. Fourth difference is that inke paas na cambium rings nahi hote. Jaise unme dikhai de rahe. So these are basic differences that we need to understand. बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बाकी सब almost same होता है, उतना कुछ खास difference नहीं होता। तो ये चार पांच differences हैं जो हमको पता होने चाहिए। Once more or understood? Understood. नक्की? Everyone? Everyone? Yes. पक्का? Mayuri? जाग रही है या नशे में?
का सो इट विल एक्सप्लेन यू डिफरेंसेस क्या है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बारे में. इसके पास भी एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस होगा, पेरिसाइकल होगा, इसके पास वास्कुलर बंडल्स होंगे, व्हिच इज साइलम फ्लोएम, पिथ रहता है. बट इन द डिफरेंसेस के इसका पिथ काफी बड़ा होता है, बाजू वाले का पिथ मतलब मोनोकॉट डाइकॉट का पिथ छोटा रहेगा. इसके पास ज्यादा वास्कुलर बंडल्स होते हैं जैसे एज कम्पेयर टू द डाइकॉट्स. कैन वी सी दैट? ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा साइलम और फ्लोएम के पेयर्स होने की वजह से यू क्लासिफाई दैट टू बी एज पॉलीआर्च एंड दिस टू बी एज ठीक है. जूम करके तुमको बताया जा रहा है कि पिच बहुत ज्यादा होता है इसके पास. ओरिजिनली माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखता है. बाकी आई गेस प्रीटी मच सॉर्टेड है. आई होप रूट सिस्टम इज सॉर्टेड फॉर मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स कंप्लीटली, नो डाउट्स. स्टेम इज समथिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी आर नॉट डूइंग स्टेम राइट नाउ. ठीक है, so stem can be done next. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ हम रीड कर ले इतना. चलो प्रांजलि रीड करो.